हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेकेज एजुकेशन चैनल। इट्स मी जूही। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस 23 नवंबर को अपलोड किया गया है। नोटिस है, नोटिस फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर ऑनलाइन पीजी टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 टू दिसंबर 2021। चलिए देखते हैं कि इस नोटिस में यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं ये नोटिस पहले से ही डाउनलोड करके रखी हूँ। देखते हैं यहाँ पे नोटिस में क्या लिखा है। नोटिस जो है 23 नवंबर को यूनिवर्सिटी की तरफ से अपलोड हुआ है। यूनिवर्सिटी में लिखा है, ऑल लर्नर्स कॉन्सर्न आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट द एग्जामिनीज हु हैव एग्जॉस्टेड देयर पॉजेस फॉर अ पर्टिकुलर पेपर मे अवेल अनदर चांस टू कम्प्लीट देयर एग्जामिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा गया है कि जो लर्नर्स, ठीक है, पर्टिकुलर हर एक पेपर के लिए 100 मार्क्स के पेपर के लिए 9 पॉज मिला था, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, और 50 मार्क्स पेपर के लिए 4 पॉज मिला था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो एग्जामिनर्स मतलब अपना जो है पॉज एग्जॉस्ट कर चुके हैं, मतलब उनका पॉज ख़त्म हो चुका है, तो वो चाहे तो दोबारा से वो पर्टिकुलर पेपर फिर से एग्ज़ाम उस पेपर का दे सकते हैं, मतलब असाइनमेंट फिर से उस पेपर का कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है। टू गेट द फैसिलिटी एट फर्स्ट दे हैव टू लॉग इन। तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा, फिर से उनको जो है एग्ज़ाम रीअपीयर करने के लिए क्या करना होगा, लॉग इन करना होगा, एंड आफ्टर दैट दे विल गेट रीसेट ऑप्शन। उसके बाद वहाँ पे एक रीसेट का ऑप्शन आएगा। आफ्टर प्रेजेंटिंग द रीसेट ऑप्शन अ डिक्लेरेशन फॉर्मेट विल बी अवेलेबल। जैसे कि मान लीजिए कि आपके 4 पेपर हैं, ठीक है, और आपका कोई एक जो पर्टिकुलर पेपर है, आपका उसमें का जो पॉज लिमिट है एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, और वो पेपर आपका मान लीजिए कि ठीक नहीं गया, तो आप चाहे तो उस पेपर को फिर से रीअपीयर कर सकते हैं, मतलब फिर से आप उस असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए पहले लॉग इन करना होगा, देन रीसेट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जैसे आप रीसेट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट मिलेगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ दिस डिक्लेरेशन फॉर्मेट, जैसे ही आप उस डिक्लेरेशन फॉर्मेट को सबमिट करेंगे, वंस अगेन दे कैन अपीयर इन दैट पर्टिकुलर पेपर। जैसे ही आप डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे फॉर्मेट को, वैसे ही आपको उस पर्टिकुलर पेपर के फिर से अपीयर करने का सेकेंड चांस आपको मिल जाएगा। इट मे प्लीज़ बी नोटेड डैट आफ्टर सबमिशन ऑफ द डिक्लेरेशन फॉर्मेट, और ये तभी मुमकिन है जब आप डिक्लेरेशन फॉर्मेट सबमिट कर दें, डैट प्रीवियस एग्जामिनेशन ऑफ डैट पर्टिकुलर पेपर विल बी कैंसल्ड। जैसे ही आप डिक्लेरेशन फॉर्मेट को सबमिट करते हैं, तब आपको क्या है, रीअपीयर करने का सेकेंड मौका मिलता है, बट आपने जो पहले जो एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब पहले जो अपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, वो आपका जो है डिक्लेरेशन फॉर्मेट जैसे सबमिट करेंगे, तो वो असाइनमेंट का पेपर आपका पर्टिकुलर पेपर जो था जिसके लिए आपने डिक्लेरेशन फॉर्मेट सबमिट किया, वो असाइनमेंट आपका जो पेपर का था कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड एनी क्लेम फॉर दैट प्रीवियसली सबमिटेड पेपर विल नॉट बी एंटरटेन्ड। और जैसे ही आपका कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद अगर आप जैसे कि चाह रहे हैं कि नहीं मैं वो पेपर कब कैंसिल ना करूं, तो वो नहीं हो सकता, बिकॉज आपने जो है डिक्लेरेशन फॉर्मेट सबमिट कर दिया है। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द सेट फैसिलिटीज़ विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन। और ये सिर्फ ऑनलाइन असाइनमेंट के लिए ही ये फैसिलिटी, ये जो सुविधा है दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सो बी केयरफुल, जब भी आप जिस पेपर के लिए डिक्लेरेशन फॉर्मेट सबमिट कर रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए कि उस पर्टिकुलर पेपर के लिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्मेट की ज़रूरत है या नहीं है। ज़रूरत है तो जिस तरह से मैंने बताया आपको उस तरह से ही करना है, और ये नोटिस जो है आप खुद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे। तो जो पेपर में आपको लगे कि आपका असाइनमेंट फिर से आपको रीअपीयर करना है, उस पर्टिकुलर पेपर के लिए आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस था। होप ये वीडियो आपके लिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस को जो है दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी मेरे वीडियो से हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।